तुम हमें आराम से रिहर्सल करने दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम आराम से रिहर्सल कर सकते हैं। इसमें थैंक यू की क्या बात, मेरा दिल बहुत बड़ा है। जाओ जाओ रिहर्सल करो। हाँ, नहीं यार, तू बार बार मेरा पोपट करती है। अभी नहीं करूंगी, ठीक है? अब मानव जी रिहर्सल करेंगे, फिर कमाल का डांस करेंगे, कंपटीशन में पार्ट लेके डांसर ऑफ द ईयर बनेंगे। इसके बाद तो हमें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर हमें रोना ही रोना है। हाँ, और तुम ये मत समझना कि हमने तुम्हारी सीढ़ी तोड़ी इसलिए हम हंसे। तू कुछ भी कर ले मोंटू, लेकिन डांसर ऑफ द ईयर तू नहीं, माना भी बनेगा। हाँ, मैं भी तो वो ही कह रहा हूँ। करो करो रिहर्सल। अरे मानव, ये देख सीढ़ी जुड़ कैसे गई। अरे हाँ बालवीर, बालवीर तुमने ठीक किया ना। मैंने कहा था ना, ये मोंटू कभी भी सुधर नहीं सकता। हाँ मैं, मैंने देखा। और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कैसे करें उसे सीधा? मैं जानता हूँ मैं कि मोंटू तुम बच्चों से और स्कूल वालों से ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बीना बेन, कैसे है आप? अरे क्या बताऊं, बस यही फल मिला है। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है भगवान की पाठ पूजा का ये फल मिला है। किसी को चिंता नहीं है कि मैंने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अरे कुछ नहीं तो मुझे दवा खिला दो या मुझे ग्लूकोज पिला दो, कुछ तो करो। अरे बाबा, कुछ खाया ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं बीना बेन, मैं जो फ्रूट लाए हूँ ना वो आप खा लो। और देखो मेरी बहू आई है आपसे मिलने। जय श्री कृष्ण। अरे अरे, ये मच्छर, ये मच्छर। आपकी तबीयत खराब हो गई इसलिए खास हालचाल पूछने आई है। अरे लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही तरीका है तुम्हारी बहू का किसी को हाल पूछने का। बहू, तुम नाच क्यों रही हो? रुक बहू, अरे मुझे क्यों नाच रही है बहू? एक तो ये नाच नाच के परेशान कर रही है और ऊपर से ये मच्छर, ये मच्छर। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? शांति से बैठ जा। तो पहले तू नाच रही थी, अब तेरी सास क्यों नाच रही है? माँ, आप नाच क्यों रही है? रुकिए। अरे पर मैं कैसे रुकूं? मैंने नाचना शुरू ही नहीं किया है, अब मैं अकेले नहीं नाच सकती। आजा तू भी मेरे साथ नाच, 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 नाच। सॉरी। हाँ ओ, ओ, अरे बहू रुकना, चुप चुप, एक सेकंड में लगा। कोई बात नहीं। अरे मुझे जरा बाथरूम तक छोड़ दो, ये नर्स भी पता नहीं कहाँ चली गई। आराम से चप्पल पहन, एकदम संभाल के, एकदम संभाल के। माँ,
मुझे लग रहा है हम डांसेरिया दूसरों में भी फैला रहे हैं। अरे थोड़ी देर पहले तो उससे चला नहीं जा रहा था और अभी उछल उछल के नाच रही है। माँ देखिए ना जरा उनका डांस बंद हुआ कि नहीं। नहीं नहीं मुझसे नहीं देखा जाएगा, तू देख तू देख। अरे अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अरे कस्तूरी, अरे स्मिता बहू, ये जब तुम्हारा डॉक्टर नहीं कर पाया वो तुम्हारे डांस पे कर दिया, अब मुझे इस पट्टे की जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। नहीं नहीं अभी भी दर्द है। नहीं, अरे आपके चेहरे पे दर्द दिख रहा है वीना में, नहीं क्या? अरे नहीं, सॉरी। भाई तेरी तो नौकरी जाने वाली थी, मेरी तो इज्जत और दोस्त दोनों ही जाने वाले थे। शोक सभा के अंदर में डांस करने लगा, लाख कोशिश की लेकिन पैर रुकने का नाम ही नहीं रह लेते। और हम लोग तो हॉस्पिटल में ही डांस करने लग गए थे। पापा का तो मुझे पता है पर दादाजी, दादी और माँ, इनके साथ ये सब कैसे हुआ? कहीं माँ और दादी बीना का की किया डांसिंग शूज का मैजिक तो नहीं छोड़ा है? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस वक्त किसके फुटवेयर में डांसिंग शूज का मैजिक है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि हम सब चलते हैं डॉक्टर के पास और ये इलाज करवा लेते हैं। पांव का इलाज? बापूजी ये डांसेरिया का इलाज। मेरे साथ तो क्या हुआ तुमको मालूम है? मैं तो समझा था कि लिली बेन गुजर गई है। मैं वहां आ गया। अरे अब इनमें से किस जूते में जादू है? कैसे पता? हाँ नहीं है, अब मैं जल्दी से इन सैंडल से मैजिक उन डांस शूज में ट्रांसफर कर देती हूँ। कौन सी जगह छुपा के रखूं कि दूसरे जूते इन्हें छू ना सके? मेहर, हाँ बोलू। मेहर ये मिक्सर का डब्बा बाहर पड़ा था, इसका क्या करूं? फेंक दो। ये तो वही बॉक्स है जो पापा लेकर आए थे, फेंक दे इसे, ये भी तेरी तरह कोई काम का नहीं है। ठीक है। मेहर ये पक्का किसी काम का नहीं है ना? अरे बोला ना नहीं है। ठीक है। अरे हाँ ये डिब्बा तो मुझे जूते रखने में काम आ सकता है। बल्लू एक मिनट रुक, इधर आ। काम का है ये काम का। और देख बल्लू, घर पे पड़ी हुई कोई भी चीज कभी बेकार नहीं होती, देखना कभी कभी तू भी काम में आ जाता है ना। मेहर तुम मेरी तारीफ कर रही हो या? तारीफ ही कर रही हूँ भाई, अब तू जाना, मैं देखती हूँ ये बॉक्स किस काम में आता है। ठीक है। Yes! ये जूते यहाँ बिल्कुल सेफ है। एक मिनट, अगर मैं बॉक्स लेकर स्कूल जाऊंगी तो सबको शक हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसका भी इंतजाम करती हूँ। हो गया। चलो मेहर की जूते संभाल कर रखने की परेशानी तो दूर हो गई। मेरी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हिम क्रीम। और बालवीर
है क्या चल रहा पृथ्वी लोक में? पृथ्वी लोक पे मोंटू बहुत बिगड़ गया है। मुकाबला जीतने के लिए वो ना ही मानो और मेयर को परेशान कर रहा है बल्कि बाकी बच्चों को डरा और धमका भी रहा है। मोंटू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन बालवीर अब तुम क्या करोगे? डूबा डूबा कल तुम पृथ्वी लोक पर तालवीर बनकर आओ और मोंटू को अपनी ताल पर ऐसा नचाओ कि वो नाचना भूल जाए। हाँ आएगा बड़ा मजा। कराऊंगा ऐसा नाच उस मोंटू को कि याद आ जाएगी उसकी नानी। ऐसा जादू चलाऊंगा। ए, लेकिन है क्या मेरे पास जादू? डूबा डूबा तुम जादू की चिंता मत करो। हाँ, तुम बस मोंटू की चिंता तक करो। आइए भली परी। यहाँ हम सब परियां आराम से रहती हैं और दिन भर की बातें करते हैं। अब आप भी हमारे साथ यहीं रहेंगी। कितनी नादान थी मैं जो ये सारी खुशियों से भरी हुई जिंदगी छोड़कर वहां भयानक लोक में चली गई। पूरा जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। मगर अब मैं भी यहाँ तुम सबके साथ रहकर परीलोक और बच्चों की भलाई में अपना सारा समय बिताऊंगी। खुश रहो भली परी। खुश रहो अटकाती परी। वाह वाह भली परी वाह, क्या बात है, क्या अभिनय करती हो आप भली। माफ करना भयंकर परी। खुश रहो अटकाती परी, खुश रहो रानी परी, और मन ही मन दुखी रहो अटकाती परी, बर्बाद हो रानी परी। अब क्या करूं तराश, अभिनय तो करना ही पड़ेगा, अपना मकसद जो पूरा करना है मुझे। तो फिर बताइए भयंकर परी अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो तुम दोनों को जाकर विजदार परी का दंड मेरे लिए चुराना है किसी भी हालत में। उसके बाद मुझे रानी बाग में मिलो। उसके बाद मैं परी महोत्सव में क्या खेल खेलने वाली हूं ये तुम्हें समझाऊंगी। नाराज परी ताराज परी क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आप दोनों बहुत परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं तो हम तो भयं भली परी को हम बता रहे थे कि डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ परीलोक में कोई ना कोई डूबा डूबा हमेशा पहरे पे रहता है। डर और भयंकर परी को? हाँ अब मैं भली परी हूं ना और भलाई को बुराई से डर तो लगता ही है। नाराज तराज तुम दोनों मुझे परीलोक दिखाओगी? हाँ भली परी चलिए ना। चलती। चाहे सब तुम्हें भली परी मान ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कभी सुधर नहीं सकती और इसलिए मैं डर रही हूँ। परीलोक में परी उत्सव होने वाला है और तुम परीलोक में ही हो तो कहीं कुछ अशुभ और बुरा ना हो जाए। गुड मॉर्निंग बॉस। मोंटू बॉस रिहर्सल हॉल छोड़ के यहाँ पे रिहर्सल करने क्यों बुलाया? अरे रिहर्सल करने थोड़ी खाने बुलाया है। अच्छा क्या खाने के लिए? जूते खाएगा बेटा? नहीं बॉस जूते नहीं खाने है ना तो चुपचाप मुझे रिहर्सल करो। समझ आया? नहीं बॉस मेरा मतलब है बॉस यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की जगह तबला क्यों रखा है? इसे मैंने यहाँ रखा है, इसे मैं लाया हूँ। तुम्हें पता है? नहीं। सुनो तो सही, बैठो। हर म्यूजिक और डांस का बेस क्लासिकल होता है, इसीलिए मैं पहले क्लासिकल डांस सीखूंगा। इसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सालसा, डिस्को, हिप हॉप सब मिक्स करूंगा। ये सब देख के सब शौक हो जाएंगे। आप डांस करोगे इससे बड़ा शौक क्या हो सकता है? क्या कहा? मतलब आपका तबला अभी बजा था।
बजाओ बजाओ। तालवील तो नहीं आ रहा है। अरे हाँ बस, तालवील को भी तो हम लोग ऐसे ही बुलाते थे ना। क्या? ए लालू मारा, पीछा दो, वो मेरे ऊपर आके गिरेगा। पीछा पीछा जल्दी लालू मार, पीछा। मुझे क्यों बुलाया? अरे तालवील जी, मैंने आपको नहीं बुलाया, हम तो डांस की रिहर्सल कर रहे थे तबला बजा के। मेरे बिना डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे तुम लोग? हाँ, come on! नाना पाटेकर, शत्रुघ्न सिन्हा, सॉरी, ओके, मेरे बिना डांस का अभ्यास कर रहे थे तुम लोग? मेरे बिना डांस का अभ्यास बिल्कुल वैसा ही है जैसे धूप के बिना छांव बेकार है, पानी के बिना नाव बेकार है, खाने के बिना डकार बेकार है, पहिए के बिना गाड़ी बेकार है, और मसाला के बिना चार बेकार है, जैसे हमारे बिना मोंटू बॉस बेकार है। राइट रॉन्ग? ओके, मैं समझ गया तालवील जी। ओके, पर आप मुझे डांस कैसे सिखाओगे? कैसे सिखाऊंगा मैं, कैसे डांस सिखाऊंगा? अरे मेरा तो नाम ही म्यूजिक और डांस की ताल पर रखा गया है, तालवीर। डोंट एंग्री मी, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी एंग्री। दिलीप कुमार, अक्षय कुमार, रॉन्ग, वन मोर सॉरी। अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें डांस म्यूजिक। कमाल का डांस कर रहे तालवील जी, कमाल का। हम तो हमें मामूली डांस समझते थे, और आप तो हम लोग के बाप निकले। अब मुझे भी ऐसा डांस सिखा सकते हो? सिखा सकते हो? अरे समझो तुमने सीख लिया। सीख लिया कैसे? मंटू, अब मैं तुम्हें खाने के लिए एक ऐसी गोली दूंगा कि तुम बार बार मंच की तरफ नहीं, बार बार शौचालय की तरफ भागोगे। हे नटखट परी, जैसी हो तुम भोली, दे दो मुझे एक जादुई गोली। ये लो, नाच सिखाने वाली जादुई गोली, इसे खाओ और जाओ। कहाँ? बाथरूम। क्या बाथरूम? मतलब अरे डांस सीखने ही जाओगे ना, बाथरूम थोड़े ना जाओगे। तालवील जी, ये गोली खाकर मुझे पक्का डांस आ जाएगा ना? मोंटू, तुम जादुई गोली खाओ तो सही, उसके बाद देखना तुम्हें क्या आता है। हेलो रे, थैंक यू। वेलकम वेलकम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.